गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मैंने आपको कुछ समय पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स भरे और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा आंसर शीट के साथ। तो आप अपने सारे आंसर वेरीफाई कर लीजिए और देखिए कि आपने कितने सही बनाए और कितने गलत बनाए। तो दोस्तों, चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर में आएगा आई एम बेटर देन यू। दोस्तों, यहाँ पर बेटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देन लिखा हुआ है, टी एच ए एन, तो देन हमें बता रहा है कि ये सेकंड डिग्री है, इसलिए हमें सेकंड डिग्री में बेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन की वजह से हमें पता लगा। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर द आएगा दोस्तों, द क्यों आएगा, क्योंकि थर्ड डिग्री बेस्ट थर्ड डिग्री है जो हमें बता रही कि द आना चाहिए। थर्ड नंबर, यू आर हैप्पियर देन राम। तो यहाँ पर हैप्पियर जो है वो सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री में बता रही है कि यहाँ पर देन आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। और टू और विथ आई नहीं सकते, क्योंकि हैप्पियर वाले में हमें देन लगाना होता है। फोर नंबर, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो यहाँ पर दोस्तों मोर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि देन आ रहा है टी एच ए एन, जो हमें बता रहा है कि सेकंड डिग्री होगी, और इंटेलिजेंट बड़ा वर्ड है, इसलिए हमें मोर लगाना होगा सेकंड डिग्री के लिए। फाइव नंबर, आई एम नॉट सीनियर टू यू। दोस्तों, यहाँ पर टू आना चाहिए, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, सुपीरियर, ये सारे वर्ड में हमें एल्डर, हमें टू का इस्तेमाल करना है, देन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, शी इज़ द सीनियर मोस्ट। दोस्तों, जब सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर के हम लोग थर्ड डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो हमें मोस्ट हमें आखिरी में लगाना चाहिए, इसी यहाँ पर सीनियर, शी इज़ द सीनियर मोस्ट बोलेंगे। सेवन नंबर, आई एम एज टॉल एज यू। तो दोस्तों, टॉल आएगा, फर्स्ट डिग्री आएगी पॉजिटिव डिग्री, आपको इतना याद रखना है कि एस एस के बीच में हमें हमको हमेशा फर्स्ट डिग्री लिखना है, तो एस टॉलर एस कभी नहीं होगा, एस टॉलेस्ट एस कभी नहीं होगा, तो एस एस के बीच में आपको हमेशा फर्स्ट डिग्री लिखना है। तो आप कभी भी याद रखेंगे कि एस एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, एज गुड एस, ना कि एज बेटर एस, ना कि एज बेस्ट एस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है एट नंबर, ही इज़ अ गुड इंजीनियर। यहाँ पर जो गुड लिखा है वो पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर न तो एन आएगा न द आएगा। दोस्तों, अगर पॉजिटिव डिग्री वॉबल प्रोनंसिएशन की रहती तो हम लोग ज़रूर एन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो उसका प्रोनंसिएशन है वो कंसोनेंट हो रहा है, इसलिए हमने ए लगाया है। नाइन नंबर, आई एम एल्डर टू माई सिस्टर्स। तो यहाँ पर एल्डर आएगा, ओल्डर नहीं आएगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच में तुलना होती है तो हम लोग एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, और एल्डर के साथ टू आता है, दूसरी पहचान ये भी थी इसकी। टेन नंबर, दे आर ओल्डर देन यू। यहाँ पर दोस्तों देन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ओल्डर है, ओल्डर के साथ हमें हमेशा देन लगाना है, टू नहीं लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपके बहुत से सेंटेंस सही बने होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। मैं अब जब भी मैं ऐसा नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया करूँगा, एरर दिया करूँगा, ताकि आप अपने सेंटेंस को समझ सके कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।